अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्रेड कैसे की जाती है, मुझे कॉइन बाय नहीं करना आता और सेल नहीं करना आता। तो इजी वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सिंपल, आपके पास इस तरह की बैलेंस होगी। अगर आपके पास इस तरह की बैलेंस नहीं है और इस तरह की है, ये देखें, आपके पास अगर इस तरह की बैलेंस है तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ से इस येलो बटन को ऑफ कर देना है तो बैलेंस प्रो ओपन हो जाएगी। अब आते हैं जी, आपने कॉइन कैसे, ये देखें, जैसे मार्केट से हम चीज़ें खरीदने जाते हैं, यहाँ पे भी मार्केट से ही खरीदेंगे। ये देखें, ये मार्केट है जो चल रही है। अब यहाँ पे देखें, ये मार्केट है जो चल रही है और यहाँ पे हम FXS को देखते हैं। जैसे ये देखें, ये ऊपर जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमने इसे बाय करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ से हम बाय करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है कि लिमिट पर बाय करना है आपने, तो अब ये 30 पे है। लिमिट का मतलब होता है कि जहाँ पे मार्केट ना हो और आप बाय करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं मैं $20 से बाय करना चाहता हूँ। कितने कॉइन बाय करने हैं, मैं FXS के कॉइन बाय करना चाहता हूँ, 30 का एक है तो मैं 3 कॉइन बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कि $60 के आपके 3 मिलेंगे। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, आप क्या करें, आप डायरेक्ट ही यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके 20 लिख लें तो आपको एक कॉइन आपको ऊपर वो खुद ही लिख देगा। या अगर आप यहाँ पे $13 का बाय करना चाहते हैं तो जितने कॉइन बनते होंगे वो खुद ही लिख देगा आपको, यहाँ से आप बाय कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना तो आपकी लिमिट लग जाएगी। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं मार्केट, तो आपने 13 लिखना है और यहाँ पर क्लिक कर देना तो जो रेट मौजूदा चल रहा होगा ना, इसी रेट के ऊपर जो है वो आपका जो आपको कॉइन मिल जाएंगे, इसी रेट के ऊपर जो चल रहा है, ठीक है, फौरी बाइंग हो जाएगी। लिमिट का मतलब होता है जहाँ पे मार्केट अभी नहीं पहुँची। और अगर आप लिमिट के ज़रिए रहते हुए हाज़िर मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको फ़ीस बड़ी कम लगे, तो आपने क्या करना है, $13 ऐसे लिखना है और ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर पर क्लिक करना है और आपने बाय कर लेना है। तो आपका होगा तो लिमिट पर बाय, लेकिन यहाँ से फर्स्ट वाली लिमिट से बाय करेंगे तो वो फ़ीस कम हो जाएगी। सेल करते वक्त भी आपने सेम लाइक ऐसे, कि आप चाहते हैं कि 30 पे बाय किया है, मैं 50 पे बेचना है, तो आपने 50, और ये 100% का मतलब है कि जितने कॉइन आपके पास FXS के पड़े हैं क्या सारे बेचने हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल कर देना है तो वो 50 पे जब भी जाएगा सेल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट पे सेल करना तो वो आप फौरी यहाँ पे कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं लिमिट पे रह के फौरी मार्केट में फ़ीस भी बचाना और अच्छा प्रॉफिट भी लेना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है फर्स्ट पे और ये कर देना है, और ये करके तो यहाँ से सेल कर देना है तो आपका ये सेल हो जाएगा। अब ये है बिल्कुल सादा सा तरीका कि आपने बाय करना है लिमिट पे या मार्केट पे, बाय एंड सेल कैसे करना है। जो भी कॉइन आपने सर्च करना है, मतलब जो हम सिग्नल दें या कहीं से आपको पता लगे, लाइक आपने ADA करना है, आपने यहाँ पर लिखना है ADA। अब जिस पेयर में मर्जी कर सकते हैं आप, USDT अगर आपके पास है तो आपने ये USDT वाला पकड़ लेना है, अगर आपके पास BUSD है तो BUSD से पकड़ लेना है, अगर आपके पास कोई भी है anyone, कोई भी करेंसी है, आप BTC में ख़रीदना चाहते हैं तो आप BTC का देख लें, अगर आप BNB में करना चाहते हैं तो BNB का देख लें। यानी कि जो कॉइन आपने ख़रीदना है, जिसका सिग्नल आपके पास है या जो आप चाह रहे हैं ख़रीदना, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह सर्च करना है लाइक जैसे मैंने किया। तो ये देखें, ये काफ़ी सारे आ जाएंगे, जो पेयर आपको बताया गया आपने वो पेयर, जो करेंसी आपके पास है आपने उस पेयर को क्लिक कर लेना है। लाइक ये देखें, अब यहाँ से जब आपके सामने ये आ जाए तो आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर लेना है, और तरीका सारा मैंने आपको बता दिया कि आपने बाय कैसे करना है। जब आप बाय की लिमिट लगाएंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और सेल की लिमिट लगाएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी वो भी। और अपने आपने ये जो लिखा हुआ है ना, हाइड अदर पेयर, आपने ये देखें, इसका मतलब है ये देखें, बाकी जो मैंने लिमिट्स लगाई हैं वो भी इसी पेयर के नीचे शो होंगी, लेकिन मुझे देखना है कि मैं जस्ट यही इसकी कितनी लिमिट्स हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, आपको जस्ट इसी की लिमिट शो करेगा। साथ में आपने ये फंड पे साथ ही क्लिक करना है, तो आपको बता देगा कि इस वक्त BUSD आपके पास या स्टेबल करेंसी कितनी मौजूद है, और साथ में ADA आपके पास कितने मौजूद है। आपको दोबारा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही फंड से क्लिक कर लें। और दूसरा, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री आप यहाँ से चेक करेंगे। ये देखें, जो आपके ऑर्डर ओपन हैं वो यहाँ पे होंगे, जो ऑर्डर हिस्ट्री है आपकी वो यहाँ पे होगी। आप चाहते हैं कि सिर्फ कैंसिल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे देखें सारी जो मैंने कैंसिल की होंगी ना, वो सारी शो करेगा। और ट्रेड हिस्ट्री आपकी यहाँ पे होगी, जो ट्रेडिंग आपने अब तक की है उसका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये देखें, या आपने ऐसे भी चेक कर लेना है, लाइक आप चाहते हैं BNB
को ये देखें BNB BUSD का मैं चेक करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करें और ये देखें, ये तो ये देखें यहाँ पे आपको शो कर देगा कि ये BNB जो है ना इतने का बाय, कितने का बाय हुआ है। अब लाइक जैसे यहाँ पे देखेंगे 39 का बाय हुआ है, तो 45 का सेल हुआ है, तो बाकी ये सेल हुए हैं। तो इस तरह ये आपको यहाँ पे बताता रहेगा। तो यहाँ से आप ट्रेड हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, आप हर तरह की ट्रेड हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओपन भी डेट वाइज यहाँ से कर सकते हैं, इस पर क्लिक करना है आपने। और अगर आपने सिर्फ बाय की हिस्ट्री चेक करनी है यहाँ से, जस्ट सेल की हिस्ट्री चेक करनी है यहाँ से, और यहाँ पे कॉइन, या अगर आप पिछले 7 दिन का डेटा चाहते हैं तो यहाँ पे, 1 डे का चाहते हैं यहाँ पे, और 3 मंथ का चाहते हैं तो यहाँ से। तो ये है ट्रेड हिस्ट्री और यहाँ से। और अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेड के साथ रेट भी देखते रहें, तो आपने ये साथ वाले पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये नीचे आपको कैंडल भी चलती हुई नज़र आ जाएगी, वो आप किसी भी कैंडल को देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी हुई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पे आप ऊपर बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ अटैच रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।